सब्सक्राइब करिए टेक फैम को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को सबसे पहले देखिए। सो हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला कि आप अपने एंड्रॉयड में इंस्टेंट ऐप कैसे यूज़ कर सकते हैं और इंस्टेंट ऐप होता क्या है। इंस्टेंट ऐप वो होता है कि आप अगर आपको कोई सा ऐप्स मिले और आपको डाउनलोड नहीं करना है, उसको पहले चेक करके देखना है, तो इंस्टेंट ऐप आपको एक ऑप्शन देता है ट्राई करके देखने के लिए। तो आप उसे ट्राई करके देख सकते हो कि वो होता क्या है उसमें। अगर आपको वो ऐप्स अच्छा लगे तब आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इंस्टेंट ऐप ये होता है। तो मैं चलो बताता हूँ कि इंस्टेंट ऐप को एनेबल कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में जाना है और प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको सारे गूगल के ऐप्स अपडेट करने हैं, जैसे कि गूगल, गूगल सर्च वाला, गूगल क्रोम, गूगल प्ले सर्विस। तो सारे ऐप्स अपडेट करने के बाद आपको ये भी देखना है कि प्ले स्टोर अपडेट है कि नहीं। प्ले स्टोर भी आपको अपडेट रखना चाहिए। तो प्ले स्टोर के अपडेट के बाद आपको फिर सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको नीचे गूगल ढूंढना है, गूगल पे क्लिक करना है और फिर नीचे आएगा इंस्टेंट ऐप। अगर ये आपको नहीं आया तो आप मोबाइल रिस्टार्ट करके देख लीजिए, फिर आपको शायद आ जाए। फिर इंस्टेंट ऐप पे क्लिक करना है और ये ऑफ रहेगा तो आपको ये ऑन करना है। ऑन करने के बाद आपको ये पूछेगा तो ये करना है येस आई एम इन। फिर आपको प्ले स्टोर में चेक करके देखना है कि यार किस पे आ रहा है। तो ये ऐप्स पे ज़्यादा चल अभी ज़्यादा वो नहीं हुआ है, तो बहुत ही कम ऐप्स पे ये सब एनेबल है, जैसे कि वीमो और ये बूज नीड्स, बूज फीड पे, न्यूज़ वाले पे, ये सब ज़्यादा ऐप्स पे एनेबल नहीं है अभी। तो आस्ते आस्ते ये सब भी डेवलप होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।